नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उनकी जगह अब नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई आ रहे हैं। सीजेआई दीपक मिश्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा किया। उनके कई फैसले ऐसे रहे जो भविष्य के लिए समाज में बड़े बदलाव लाएंगे। समाज को प्रगतिशील बनाने के लिहाज से इन फैसलों को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, इनकी काफ़ी अहमियत मानी भी जा रही है। वहीं आने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने और जल्द और सुलभ न्याय दिलाने जैसी कई चुनौतियां होंगी। आज विशेष में सीजेआई दीपक मिश्रा के कामकाज, उनके कार्यकाल के दौरान चर्चा के विषयों और नए सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई के आने वाले कार्यकाल में महत्वपूर्ण कामकाज पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। चीफ जस्टिस के तौर पर 13 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। इनमें से कुछ फैसले तो पिछले ही महीने यानी सितंबर में ही आए। इनमें आधार की अनिवार्यता और संवैधानिकता पर फैसला, समलैंगिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला, कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, सबरीमाला में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश से जुड़ा फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दीपक मिश्रा 10 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके बाद वे 28 अगस्त 2017 को देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 तक है। चीफ जस्टिस के तौर पर 13 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिन्हें देश के बेहतर भविष्य के लिहाज से बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। इन फैसलों को देश की राजनीति और समाज में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। फैसले आए हैं और सारे बड़े ही पाथ ब्रेकिंग फैसले हैं, इसलिए किसी एक को चुनना, उस पर कहना कि ये सबसे उनका मुख्य होगा, मेरे ख्याल से इनजस्टिस होगा उनके लिए। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके जो कार्यकाल में रहा है कि जो केसेस, वो छोटे छोटे केसेस भी जो देखते थे कंपनसेशन के, क्लेम्स के, उसमें जो एक ह्यूमन एलिमेंट होता था, जिस तरह से वो सेटल करते थे केसेस को, जिस तरह से रिलीफ ग्रांट करते थे, वैसे आम आदमी के लाइफ को उन्होंने छुआ है अपने इस कार्यकाल में। आधार की अनिवार्यता और संवैधानिकता से जुड़ा मुद्दा ऐसा था जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से 26 सितंबर 2018 को फैसला आया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, इनकम टैक्स और पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है, लेकिन बैंक खाते, स्कूल और मोबाइल सेवा जैसी प्राइवेट कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार समाज के वंचित वर्गों को सशक्त करता है और उन्हें पहचान देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने अपने कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसले दिए हैं। जो उभर के हमारे सामने आते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आधार का वर्डिक्ट, जिसमें मुख्य तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैसला लेना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में कि क्या आधार एक्ट संवैधानिक है या नहीं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 26 सितंबर 2018 को समलैंगिकता को अपराध करार देने वाली आईपीसी की धारा 377 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध से बाहर करते हुए कहा कि दो वयस्क लोगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि LGBT समुदाय के पास आम नागरिक के बराबर अधिकार है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैसला जो इतिहास में जाएगा वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता। बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले समलैंगिकता एक जुर्म था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी दिन यानी 26 सितंबर को प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकारें तय करें। कोर्ट ने साफ किया
कि इसके लिए सरकारों को कोई आंकड़ा जमा करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े 2006 के फैसले को पुनर्विचार करने के लिए 7 सदस्यों की संविधान पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने आईपीसी की धारा 497 में एडल्ट्री को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा लोगों के लिए शादी से बाहर संबंध रखना कानून की नजर में अपराध नहीं है, हालांकि एडल्ट्री तलाक का आधार बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून महिला के साथ असमानता का बर्ताव करता है। एडल्ट्री पे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला आया है, जिस बेंच का हिस्सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एडल्ट्री को एक जुर्म के तौर पे कानूनी किताबों से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी दिन यानी 27 सितंबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस्लाम में मस्जिद में नमाज पढ़ने को अनिवार्य नहीं बताने वाले अपने पूर्व फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए ये जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया। जहां तक महिलाओं के अधिकारों का मामला सवाल है, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दीपक मिश्रा का बड़ा योगदान रहा है। जैसे शबरीमला टेंपल का जो फैसला आया उसमें जस्टिस मिश्रा ने कहा कि 10 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं अभी तक प्रतिबंधित थी टेंपल में जाने से, उनको अलाउ कर दिया है और कहा है कि ये जो प्रैक्टिस अभी तक चली आ रही थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को ही अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सहमति जता दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इसके लिए नियम बनाएगा, जिसमें लोगों के अधिकार और मुकदमेबाजों की गरिमा के बीच संतुलन साधने का काम किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इससे अदालती कार्यवाहियों में पारदर्शिता आएगी। जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला चीफ जस्टिस मिश्रा ने अपने कार्यकाल में दिया वो था लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है उसका लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, क्योंकि आज इतने वर्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट के गठन को हुए और आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं सोची गई कि जैसे पार्लियामेंट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, उस तरह कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों ना हो। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने गंभीर अपराधों में आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ चार्जशीट के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए संसद और विधानमंडलों को कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने दहेज उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए दहेज प्रताड़ना मामले में पति और उनके परिजनों को तुरंत गिरफ्तारी से मिले सेफ गार्ड को खत्म कर दिया, हालांकि अग्रिम जमानत के विकल्प को बरकरार रखा गया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण मसले, कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो उनकी उपलब्धि भी कहा जा सकता है। लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान कई विवादों से भी घिरे, कभी न्यायपालिका के भीतर टकराव की खबरें तो कभी संसद में पद से हटाने का नोटिस। हाल ही के कुछ सालों में जस्टिस दीपक मिश्रा शायद चीफ जस्टिस ऐसे अकेले रहे होंगे जिनके साथ इतने जो तमाम मसले थे वो चर्चा का विषय बने। देश के 45वें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के जीवन का सबसे बड़ा विवाद खुद न्यायपालिका के भीतर से उपजा। देश ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजों ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर हड़कंप मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज अक्सर मीडिया से दूर ही रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो सबको चौंका रहा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस जे चिलमेश्वर के अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हुए। हालांकि बाद में सीजेआई दीपक मिश्रा और बाकी जजों के बीच बातचीत हुई और बार काउंसिल ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट का संकट अब सुलझा लिया गया है।
जो विवाद था वो था जनवरी 12 का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी साल की। चार जो वरिष्ठ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का कार्य करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, और उन्होंने इनफैक्ट जो चीफ जस्टिस मिश्रा थे उनके पावर्स को भी सवाल उठाया, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो बेंचेस ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो गलत हैं, जो इम्पोर्टेंट मामले हैं जूनियर जजेस के सामने जा रहे हैं, और इनफैक्ट वो मामले जो बहुत ही सेंसिटिव है और उनको जाना चाहिए सीनियर जजेस के पास। पब्लिक आई में आने के बाद बार एसोसिएशन, हमने डिमांड किया कि आप एक क्यों नहीं एक प्रिंटेड रोस्टर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक कभी नहीं था। हाई कोर्ट्स में होता है बट सुप्रीम कोर्ट में आज तक कभी नहीं था। तो उन्होंने इस बात की डिमांड की जस्टिफिकेशन को समझा, उन्होंने समझा कि हाँ इस तरह से करने से एक ट्रांसपेरेंसी का एक फर्दर एलिमेंट आएगा, और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। तो इसलिए आज के दिन में आप अगर आप कोई केस डालते हैं आपको मालूम है कि हाँ किन किन बेंचेस में जा सकता है किन में नहीं जा सकता है। हालांकि मुश्किलों ने अभी भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का दामन नहीं छोड़ा था। अप्रैल में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी दलों ने राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें ये नोटिस सौंपा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर 5 आरोप लगाए गए थे। इसमें प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा मामला, रोस्टर विवाद, वकील रहते हुए गलत हलफनामे देकर जमीन लेने का मामला और उच्चतम न्यायालय में कुछ महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों को विभिन्न पीठों को आवंटित करने में अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग के आरोप शामिल थे। हालांकि नोटिस से कुछ ही दिन बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस को पद से हटाने के प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में न्यायमूर्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर आंकने वाले हैं। उन्होंने प्रस्ताव को शक और अनुमानों के आधार पर बताया। सभापति नायडू ने कहा कि वो शीर्ष कानूनविदों, संविधान विशेषज्ञों, संसद के दोनों सदनों के पूर्व महासचिवों से बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इनके कार्यकाल के दौरान हुई है वो ये है कि प्रोबेबली ये एक ही ऐसे चीफ जस्टिस हैं आज तक जिनके खिलाफ जब ये ऑफिस में थे उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया पार्लियामेंट में। हालांकि वो मोशन डिफीट हो गया, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जस्टिस मिश्रा के कार्यकाल के दौरान। इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और सरकार के बीच टकराव की स्थिति आ गई। मामला था कोलेजियम के लिए जजों की नियुक्ति का। सीजीआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कोलेजियम ने इसी साल सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए केंद्र को 2 नाम भेजे थे। इनमें से एक नाम इंदु मल्होत्रा और दूसरा नाम उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का। इनमें से जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश केंद्र ने दोबारा विचार के लिए कोलेजियम को लौटा दी। ये मुद्दा मीडिया में काफी छाया रहा। इसे सरकार और कोलेजियम के बीच विवाद के रूप में देखा गया। हालांकि कोलेजियम ने फिर से जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की और दूसरी बार सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी। इसके अलावा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल में मई 2018 की वो रात भी चर्चा में रही जब कर्नाटक में सरकार गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई। कोर्ट में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसका कांग्रेस और जेडीएस ने विरोध किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। रात में ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने 3 सदस्यीय बेंच का गठन कर मामले को निपटाने का आदेश दिया। भारत में न्यायपालिका के इतिहास में ये दूसरा मौका था जब कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खुले। इससे पहले जुलाई 2015 को 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर रोक संबंधी अपील पर सुनवाई के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस वक्त भी इस मामले की सुनवाई करने वालों में जस्टिस दीपक मिश्रा शामिल थे। विपुल अग्रवाल और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का हमेशा से मानना रहा है कि न्याय में हमेशा मानवीय पक्ष का ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दिल्ली में आयोजित विदाई समारोह में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस बात को दोहराया।
उन्होंने कहा कि वे इतिहास के आधार पर नहीं बल्कि लोगों के काम को देखकर फैसले लेते हैं। चीफ जस्टिस ने भारतीय न्यायपालिका को दुनिया की सबसे मजबूत संस्था बताया। उन्होंने युवा वकीलों को देश की संपत्ति बताया, जिनमें न्यायपालिका की मूलभूत भावना को बरकरार रखने की और उसे बनाए रखने की असीम क्षमता है। उन्होंने कहा कि जज के तौर पर पूरे करियर में उन्होंने कभी भी न्याय की भावना से कभी समझौता नहीं किया और उस भावना को कभी अलग नहीं होने दिया। आई इंटेंड टू से अलाउ मी टू स्पीक सो दैट यू कैन लिसन पेशेंटली एंड पॉसिबली आई कैन स्पीक इन माय ओन वे एज आई डू नॉट इंटेंड टू डेविएट फ्रॉम माय पैशन। Last time I delivered a speech somewhere, Mr. Nariman sent me a small note. I preserved it. I assure you, Mr. Nariman, I shall preserve it for my memory, for posterity and history, which is sometimes kind and sometimes unkind. I do not judge people by history. I judge people by their activities and their perspectives. देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभालेंगे। वो इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश हैं। बतौर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले दिए, तो उनके सामने अब नई चुनौतियां भी आ रही हैं। आइए एक नज़र डालते हैं जस्टिस गोगोई के सफर और उनके सामने अहम कामकाज पर। जस्टिस रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा डिब्रूगढ़ के जॉन बॉस्को स्कूल से और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास में बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने करियर की शुरुआत साल 1978 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर की। 28 फरवरी 2001 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उनका तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हो गया। 12 फरवरी 2011 को उनकी नियुक्ति पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई। इस पद पर वो करीब 1 साल तक रहे। उसके बाद 23 अप्रैल 2012 को वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। जस्टिस गोगोई ने पदभार ग्रहण करने से पहले कहा कि संविधान की सर्वोच्चता और सबको न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। It is by no means a simple task and will require sustained collective effort. We must demystify and popularize the constitution, its history and its prehistory, its agreements and its disagreements. We must teach to our young, not as a static body of norms, but as an evolving mode of collective as well as individual action and expression. What we need to strive for is a changed worldview that abides by constitutionalism as outlined above. And even though history may be the harshest judge of all, you and I must be the vanguard in this march, alert and empathic gatekeepers of justice. जस्टिस रंजन गोगोई शपथ लेने के बाद भारत के 46वें प्रधान न्यायाधीश होंगे और 17 नवंबर 2019 तक उनका कार्यकाल होगा। लेकिन इस बीच उनके सामने कामकाज की एक भारी भरकम सूची भी होगी। उनकी सबसे पहली चुनौती होगी पिछले करीब 1 दशक से देश की अदालतों में खाली पड़े जजों के पद और लंबित मामलों के निपटारे की। इस वक्त देश की तमाम अदालतों में 3,30,00,000 के करीब मामले लंबित पड़े हैं और जजों की कमी के कारण चुनौती बढ़ रही है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो उनके सामने आएंगे, लेकिन जो अपेक्षा उनसे ज़्यादा है, जो बार की या जो देश की अपेक्षा है, वो ये है कि इस इंस्टीट्यूशन को एक ऐसी दिशा दिखाएं जिससे एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस इस इंस्टीट्यूशन में और बढ़े।
एक आम आदमी को एक ये विश्वास हो कि हमको स्पीडी जस्टिस मिलेगा, हमारा पिटिशन जो है सालों साल तक पड़ा नहीं रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी इसके फंक्शनिंग में। बहुत कुछ तो जस्टिस दीपक मिश्रा ऑलरेडी कर गए हैं, लेकिन उस लाइन में और आगे बढ़ेंगे जस्टिस गोगोई। और जहाँ तक बार का संबंध है, हम लोग का ये मानना है कि एक हमारा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर के बुनियाद पे एक हम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग चले, और हम उनके साथ रहेंगे इस इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बना के रखने में। इसके अलावा उनके कामकाज की पहली फहरिश्त में अयोध्या विवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जस्टिस गोगोई का सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जस्टिस गोगोई के लिए होगा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवाद को सलटाना। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी, ये डिसाइड करेगी, जिसमें जस्टिस गोगोई डिसाइड करेंगे कि कौन 3 जज इस मामले को सुनते हैं और इस मामले की सुनवाई कितनी तेज़ी से होती है। ये मामला पिछले 8 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सबकी नज़रें इस पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले पे टिकी हुई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस गोगोई के सामने होगा वो होगा जजों की नियुक्ति को लेके। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी नियुक्तियां करना सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने होगा। सीजीआई के सामने एक और चुनौती होती है केंद्रीय बजट की। देश की न्यायिक संस्थाओं में बुनियादी ढांचा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बजट बढ़ाने की त्वरित चुनौती है। 2017-18 में केंद्रीय बजट का मात्र 0.4% पैसा न्यायिक व्यवस्था के लिए दिया गया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रणाली के तहत चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च होता है, और इस पद की महत्ता आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अगर कोई उलझन की स्थिति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्याख्या ही मान्य होती है। ऐसे में चलते चलते आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शक्तियां क्या क्या हैं। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए मंत्रियों की सलाह के अलावा अन्य व्यक्तियों की सलाह भी ले सकते हैं, जबकि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से राय ले सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें। इस संबंध में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने यह निर्णय दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है तो उसे चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस से राय लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है चीफ जस्टिस का, वो ऐसे प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस रिटायर होने के पहले 1 महीना के दौरान वो रेकमेंड करता है कि भी किसको बनाना चाहिए चीफ जस्टिस। वो रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और ये रेकमेंडेशन जो होती है सिर्फ रेकमेंडेशन होती है, और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन मानी जाए, लेकिन अमूमन मानी जाती है, और अमूमन जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर मोस्ट होता है वही बनता है। लेकिन सुपर सेशंस हुई हैं और सुपर सेशंस हो सकती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं वही योग्यताएं चीफ जस्टिस के लिए भी लागू होती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे शख्स को भारत का नागरिक होना जरूरी है, कानून और संविधान का जानकार होना, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहना या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना जरूरी है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेता यानी कानून का जानकार हो। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ये चीफ जस्टिस को ये इक्वल होते हैं सर, हर एक जज जो है वो इक्वल है
इनमें कोई बड़ा जज या छोटा जज नहीं होता, लेकिन ये नंबर वन है सब में से। इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के कारण ये रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं, और ये मास्टर ऑफ रोल्स है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये केस एलोकेशन, किसको किस जज को कौन सा केस जाना चाहिए, ये एलोकेट ये करता है। बेंचेस कैसे फॉर्म होने चाहिए, ये बेंचेस फॉर्म करते हैं। लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जितना भी करना है कोर्ट का, वो हेड ये है, चीफ जस्टिस। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश समान होते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश उनमें से पहला होता है। मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और इसके चलते नियम और कायदे भी वही बनाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके साथ ही किस बेंच में कौन कौन से जज होंगे, इसका फैसला भी मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत पावर है, सारे मैटर्स किस कोर्ट में लगेंगे वो डिसाइड करते हैं। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो रजिस्ट्री से रिलेटेड है या हमारे बार एसोसिएशन से रिलेटेड है, वो सारे पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करता है। इसलिए जुडिशियल वर्क के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत से ऐसी इम्पोर्टेंट ड्यूटीज होती हैं जिससे पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सिर्फ कुछ कारणों से ही अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। उनमें शामिल है 65 साल की उम्र हो जाने पर, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने पर, और संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। लेकिन इस तरह से हटाए जाने के केवल 2 ही आधार हो सकते हैं, पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।